नाम गीताबेन दर्जी छे। हूँ हिम्मतनगर थी आवी छु। थायरोइड ब्लड प्रेशर अने हार्ट की तकलीफ थी, दवा लीधी हिम्मतनगर थी, कहीं सारू ना थे। बॉम्बे आई, बॉम्बे मार जमाई मने लई गया। ये मेरे सास है जिनका नाम है गीताबेन जेठाभाई दर्जी। ये गुजरात में हिम्मतनगर गांव में रहते थे। वहाँ पे उनको हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, उनको थायराइड ब्लड प्रेशर वगैरह बीमारी हो गई। वहाँ पे हम लोग गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने बोला इनको इमरजेंसी हॉस्पिटल में एडमिट करो। मैंने पूछा क्यों, तो बोलते इनको हार्ट का प्रॉब्लम है, इश्यू है, आप इनको यहाँ पे एडमिट करो। मैं बोला ठीक है, बोला आप टेम्पररी ट्रीटमेंट दे दो, मैं बॉम्बे जाके मैं वहाँ पे दिखाऊंगा। उन्होंने ट्रीटमेंट दिया, मेडिसिन दिया, सब दिया। यहाँ पे आया तो मेरा भाई है छोटा जिसका नाम है किरण, उन्होंने बताया कि मेरे फ्रेंड्स है और बहुत अच्छे डॉक्टर है, आप एक बार उनका अपन सजेस्ट करते। बोला क्या नाम है, बोलते दीपेश सर करके है, वहाँ पे जाते। सर का शेड्यूल थोड़ा बिजी था तो हम लोग को थोड़ा देर लगा, 8-1 दिन के बाद में हम मिले सर को। सर को मिला, सर ने देखा डे वन, बोलते इनका आज से डाइट चालू करेंगे और इनका 100% इनका रिजल्ट ला के दूंगा। बोला ठीक है, नो प्रॉब्लम। डाइट चालू किया डे वन से इनको बोला गया था कि आपका हर एक मेडिसिन बंद हो जाएगा। 17 टेबलेट लेते थे सब मिलके, डॉक्टर ने जो दिया था उसमें। थायराइड का तो 2 साल से चालू था, 2 या 3 साल से। बीपी का गोली चालू था 4-5 साल से। सर ने बोला ये सब मैं बंद करवा दूंगा, मगर मैं जो बोलता हूँ वैसा आप डाइट करोगे तो तब जाके ये भी रेडी हो गए। बोलते इतना अगर हो रहा है जल्दी बंद, सब मेडिसिन भी बंद हो जाएगा, तो बोलते तो अब मैं ये डाइट फॉलो करूँगा। बोला ठीक है। सर ने डाइट जैसे दिया सब बताए गए। पहले दिन खाली, जो आदमी रोज़ खाना खाता है उसको पहले ही दिन बोल दिया खाली करेले का जूस पीना है, बाकी कुछ नहीं, करेले के जूस के सिवा दूसरा कुछ पीना नहीं है। उन्होंने किया, उससे उनको प्रॉब्लम भी हुआ बहुत सारे, मगर सर ने उनको बताया कि नहीं आप ये करो, आपको बहुत अच्छा होएगा बॉडी के लिए और आपको बहुत फ़र्क भी पड़ेगा। तब जाके फिर से चालू किया, फिर सर ने दूसरा डाइट चालू किया, खाली फ्रूट्स खाना है पूरे दिन, वो किया। फिर नेक्स्ट बाद में बोले गए कि खाली आप ककुम्बर वगैरह वो सब खाओ, वो सब खाए, उससे उनको फ़र्क भी पड़ा और विद इन 8 डे में उनकी सब टेबलेट्स बंद हो गई। खाली एक टेबलेट चालू था वो भी बाद में 8-10 दिन यानी 15 दिन में कंप्लीट टेबलेट्स बंद हो गई इनकी, जो 17 टेबलेट्स खाते थे, 17 की 17 गोलियां बंद खाली ये डाइट पे। और उन्होंने क्या है रोटी चपाती बोले कि फिर राइस ये वो सब कंप्लीट बंद था 1 महीने तक। 1 महीने के बाद में जब चेकअप कराने गए, जब गए हम लोग तब वो खुद चल के गए, नहीं तो इनको यहाँ से समझो 2-4 फीट भी चलते थे ना तो भी उनको सांस फूलती थी, उनकी सांस की बहुत इश्यू था, उनको पूरा अस्थमा जैसा ऐसा सांस को दमा लेते थे, कोई चीज़ खाने को काम के ये वो सब चीज़ में प्रॉब्लम होता था। मगर जब से सर का डाइट फॉलोअप किया सब इश्यू बंद। आज की तारीख में वो 7-8 किलोमीटर पर डे चलते, सुबह शाम हर डब यहाँ से सब जगह पे जाते हो, कभी कोई सांस की इश्यू नहीं कुछ नहीं, वेट भी उठा के लाते ऊपर सेकेंड फ्लोर तक चढ़ते। मेरे वहाँ घर पे आते हैं तो कोई चीज़ उठा के लेके आते, सेकेंड फ्लोर तक लेके आते, कोई इश्यू नहीं। और आज की तारीख में मेरे से भी ज़्यादा फिट एंड फाइन हो गए। ये दीपेश सर की जितने डाइट दिए थे सब डाइट से ये क्लियर हुआ है। मैं तो बोलता हूँ जिसको भी बीमारी रहेगी एक बार दीपेश सर का कॉन्टेक्ट कीजिए, एक बार खाली आपकी मेडिसिन 100% बंद होएगी। और यही दीपेश सर ने जो किया है वो आज आपके सामने है एकदम क्लियर कट। रवि आपको कैसा केव लागे जवे? સારું લાગે છે એકદમ। કોઈ તકલીફ લાગે જવે? કશું તકલીફ નથી મને। આખા દિવસનું કેટલું ચાલો જવે? આખા દિવસનો તો ખાસું ચાલતો આટલાથી મંદિરમાં થઈ 7-8 કિલો। આ કઈ તકલીફ થાય જવે? કોઈ ભાગદોડમાં કશું જ નથી થતું મને। પેલા શ્વાસ ચડતો એવો ચડે જવે? આવું નથી ચડતું શ્વાસ। આપણે દીપેશ્વરનું શું કરવું જોઈએ? આભાર માનવો જોઈએ? આભાર માનવો જોઈએ કેમ નહીં? હા તો કયો કે દીપેશ્વરનો ખૂબ ખૂબ આભાર। દીપેશ્વરનો ખૂબ ખૂબ આભાર કે જેણે મને ફિટ એન્ડ ફાઇન કરી દીધા।
देने मैंने फिट एंड फाइन कर दिया, तुम्हारा आभार।